बहुत अच्छा बनाया तो गाइस देखो बिरयानी का टेस्ट मम्मी को बहुत अच्छा। हे गाइस मैं हूँ निशा और मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल निशा ब्लॉग खट्टी। गाइस आज मैं बनने में रही हूँ चिकन बिरयानी। ये चिकन बिरयानी पहाड़ी स्टाइल एक चिकन बिरयानी छा और ये चिकन बिरयानी हमारे वहाँ दावतों और शादियों में खाई जाती है। इसका टेस्ट अमेजिंग होता है तो वीडियो को लास्ट तक देखना और हमेशा की तरह लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। और हाँ नए साल में अपने घर में चिकन बिरयानी जरूर बनाना। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने इस्तेमाल कर रखा है 1 kg चिकन का। चिकन के पीस मैंने मीडियम साइज करा दिए हैं और ये है अदरक और लहसुन और 6 से 7 मिर्च। तो इसका मैंने पेस्ट बना रखा है, बना दिया। अब इसको हम इसमें ऐड करेंगे। अब इसमें मिलाएंगे हम ये नींबू और ये नींबू का रस, ये है मीडियम साइज का। अब इसमें मिलाएंगे नमक। ये जो नमक मिलाएंगे मिलाएंगे चिकन के हिसाब से। अब ये हरा धनिया को चॉप करके हमने इसमें डाल दिया है ये। तो अब हम इसमें करेंगे लाल मिर्च ऐड टेस्ट के हिसाब से और 1 स्पून गरम मसाला, 1 चम्मच के हिसाब से गरम मसाला ऐड करेंगे और 1/2 चम्मच इसमें जीरा पाउडर ऐड करेंगे। ये 1/2 चम्मच हो गया होगा। 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। तो अब इसमें हम ऐड करेंगे तेजपत्ता, दालचीनी, काली मिर्च और इलायची, ये सब चीज़ें ऐड करेंगे इसमें। इसको डाल देते हैं हम। तो अब इसमें मिलाएंगे 2 चम्मच दही। तो अब इसमें हम करेंगे फूड कलर ऐड, ये ऑप्शनल है, इसको डाल भी सकते हैं नहीं भी। तो अब इसमें हमने ऐड कर दिया फूड कलर। अब हम इसमें ऐड करेंगे प्याज, ये हमने पहले से फ्राई करके रखा था। अब इसको इसमें हम ऐड करेंगे, इसको डाल देते हैं। अब इस और मिलाएंगे इसमें टमाटर कट करे हुए। अब ये सबन लिया मैं भल्ले के मिक्स कर दूं। तो इसको पूरा अच्छे से ऐड हो गया ये। अब इसको 1 घंटे के लिए इसको ढक के छोड़ देंगे। तो दूसरी तरफ मैंने ये पानी उमलने के लिए रख दिया था चावल के लिए। अब इसमें डालेंगे हम घी, ये है घर में बनाया हुआ घी। ये अच्छी तरह से बॉईल हो रहा है और खुले बर्तन में पानी लें। तो अब इसमें हम डालेंगे ये 4 से कटी हुई मिर्च, ये डाल दी, और ये डालेंगे हम तेजपत्ता और ये नींबू जो हमने वो चिकन में यूज़ करा था पहले, ये पूरा डाल देंगे इसमें, और ये काली मिर्च, इलायची और दालचीनी, ये सब इसमें डाल देंगे। और इसमें डाल देंगे 2 बूंद विनीगर, ये 2 बूंद। अब इसके बाद मिला देंगे हम इसमें चावल। इसमें मिला दिया है ये चावल। अब इसमें नमक मिलाएंगे, ये नमक, और 15 से 20 मिनट तक इसको उमलने के लिए छोड़ देंगे। तो ये हमने दूसरी तरफ ये चढ़ाई थी हमने कुकर, और ये कुकर के अंदर डाला है हमने ये तेल। तो तेल गर्म हो गया जैसे कि दिख रहा होगा, और ये हमने जो रखा था बंद करके अब हम इसको खोलेंगे चिकन को ये। अब इसको हम डालेंगे कुकर में। तो ये अब डलेगा।
तो अब हम इसमें लगाएंगे सीटी, तो इसको बंद कर देते हैं। पहले हम इसमें लगाएंगे एक सीटी, इसको बंद कर देते हैं, एक सीटी का हम वेट करेंगे। तो जैसे कि आपने देख लिया होगा सीटी आ गई है इसमें, अब इसको हम कर देते हैं बंद और इसको खोल के देखते हैं। तो इसकी निकालेंगे हम सीटी गाइस, इसकी हवा निकालने के लिए हमको ऐसे करना पड़ेगा देर तक, ताकि ये फूटे ना हमारे ऊपर। तो अब इसको कर देते हैं, पूरी सीटी पूरी निकल गई है इसमें हवा, अभी निकली नहीं है लगता है पूरी, क्योंकि तभी खुल नहीं रहा है। तो ये पक गया है जैसा कि दिख रहा होगा आप लोगों को। अब इसमें मिलाते हैं ये चावल। तो गाइस अब हमने इसको कर दिया है मिक्स, तो इसमें हम डालेंगे सोया सॉस। ये डाल दिया सोया सॉस, और डालेंगे हम ये धनिया इसमें। तो हम इसको एक सीटी लगने से पहले इसको हम बंद कर देंगे, तो इसको हम ढक देते हैं। तो अब तैयार है हमारी चिकन बिरयानी। तो गाइस अब चिकन बिरयानी बन चुकी है, ये दिखने में आपको बहुत टेस्टी लग रही होगी, और खाने में मम्मी से पूछेंगे, तो ये मम्मी के लिए ले जा रहे हैं अभी। बहुत अच्छा बनाया है, बहुत अच्छा बनाया। तो गाइस देखो बिरयानी का टेस्ट मम्मी को बहुत अच्छा लगा है, और मम्मी अब खाएगी। तो अब हम करते हैं वीडियो को यहीं पर एंड।